Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, director of Anand Prakash Educational Academy. And for the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. Our students are well-placed in big companies, big industries, big hospitals, and they are really very successful in their life. So how this was possible? That was because under our mentorship, these children, they had been very obedient, very disciplined, and they completely followed the program which was given by us. And that helped them to become successful. Obviously, you are very much familiar with the proverb, success is a journey. You cannot get success in one day. Daily you have to keep on climbing stairs, and once you decide to do that, you are successful. You get your destiny. So a very interesting topic we had started. Humne last class mein kiya tha atomic structures se related photoelectric effect. I do hope that you have understood it. Photoelectric effect ke baad another very good topic, that is hydrogen spectrum. In you are all aware, अब ये hydrogen spectrum जब आप देखोगे books में तो ऐसा लगेगा कि बहुत tough topic है, but then I'll make this topic very simple for you, and I do hope you will be able to understand everything. सारी चीज़ें एकदम crystal clear हो जाएंगी and आपको ये लगेगा कि hydrogen spectrum topic बहुत easy है. और यहाँ से समझने के बाद देन यू विल सी योर बुक, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग, दैट इज़ माय प्रॉमिस. सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम है, जैसे आप रेनबो देखते हो, इट्स अ बैंड ऑफ कलर्स. इन द सेम वे हाइड्रोजन में भी बहुत सारे बैंड्स ऑब्जर्व किए गए थे. जब हाइड्रोजन सैंपल को हीट किया था तो बहुत सारे बैंड्स मिले थे, और उन सब बैंड्स को कहा गया था स्पेक्ट्रम. Now, what was all these bands about? जैसे suppose hydrogen atom. Hydrogen atom कैसा होता है? यहाँ पे nucleus है और यहाँ पे अलग अलग shells हैं. When the shells are there, उन shells में क्या हैं? Electrons. यहाँ पे भी electrons हैं. हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं, सो हाइड्रोजन में सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और ये बचे हुए यहाँ पे बहुत सारे शेल्स हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फिर क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. सो जब सैंपल ऑफ हाइड्रोजन को हीट किया तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्टेट्स में गया. इलेक्ट्रॉन जम्प्ड टू द वेरियस स्टेट्स. अल्टीमेटली इट कुड फॉल बैक to its original shell. तो ये process किस तरह से हुई थी? Like ये एक ground level है, ये second level है, this is first, this is second, और यहाँ पर है third level, यहाँ पर है fourth level, यहाँ पर है fifth level, और यहाँ पर है sixth level. So यहाँ पर आप number कर सकते हो 4, 5 and 6. So electron ऑफ हाइड्रोजन ये यहाँ से जंप करके ये गया सेकेंड लेवल पे, या गया थर्ड पे, या फोर्थ पे, या फिफ्थ पे, या सिक्स्थ पे, बट अल्टीमेटली वो अपने ग्राउंड लेवल पे आ रहा है. मींस इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से फर्स्ट में आया, अगर थर्ड में गया था थर्ड से फर्स्ट में आया, अगर फोर्थ में गया था फोर्थ से भी फर्स्ट में आया, अगर फिफ्थ में गया था तो फिफ्थ से भी वो फर्स्ट में आया, और सिक्स्थ में गया था तो सिक्स्थ से भी वो फर्स्ट में आया. ये उसने एक सीरीज़ बनाई. हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन को हीट किया, सैंपल को हीट किया, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, वो अलग अलग लेवल्स में गए. जब इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग लेवल्स में गए तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे आया? ग्राउंड लेवल पे. जितनी उसके पास एनर्जी बचती है उस बेसिस पे वो डिफरेंट लेवल्स पे आता है. तो ये फर्स्ट लेवल पे आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन आया सेकेंड लेवल पे, ये एक अलग सीरीज़ बन गई. ये आया सेकेंड लेवल पे, ये एक सीरीज़ हो गई, ये फर्स्ट सीरीज़ हो गई. फिर
जब इलेक्ट्रॉन और भी हायर स्टेट पे गया है तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे ड्रॉप डाउन हो रहा है, थर्ड लेवल पे। तो उस थर्ड लेवल की एक अलग सीरीज बनी, डैट इज़ ये जहाँ भी है इलेक्ट्रॉन ये आ गया थर्ड लेवल पे, इसकी एक अलग सीरीज बन गई। फिर इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आया कहाँ पे, फोर्थ सीरीज में, तो ये वाली बन गई इसकी फोर्थ सीरीज, ये सेपरेट, ये सारे अलग अलग सीरीज हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जहाँ भी गया अल्टीमेटली वो आया किस सीरीज पे, फिफ्थ सीरीज पे, सो दिस वॉज द फिफ्थ सीरीज। फिर इलेक्ट्रॉन जंप किया और फिर वो आया फिर से डिफरेंट लेवल पे, दैट मींस वो आया सिक्स्थ लेवल पे, ये हो गई सिक्स्थ सीरीज। अब इन सब सीरीज का एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल पे आता है वो कहलाता है लाइमन सीरीज। वो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस स्टेट से भी आ रहे हैं, अगर वो ग्राउंड स्टेट पे फर्स्ट लेवल पे जा रहे हैं उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। अगर वो आ रहा है सेकंड लेवल पे तो वो कहलाता है बामर सीरीज। अगर वो आ रहा है थर्ड लेवल पे वो कहलाता है पाश्चन सीरीज। अगर ये फोर्थ लेवल पे आ रहा है वो कहलाता है ब्रैकेट सीरीज। अगर फिफ्थ पे आ रहा है तो वो कहलाता है फंड सीरीज। अगर सिक्स्थ पे आ रहा है तो वो कहलाता है हमफ्री सीरीज। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में और हमें कितनी सारी सीरीज़ एक साथ मिल रही हैं। इतनी सीरीज़ कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमने एक एटम नहीं लिया, हमने एक सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन लिया है। सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन मतलब उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, मींस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हैं और अपने डिफरेंट अलग अलग लेवल्स में जा रहे हैं, और अल्टीमेटली उनके पास जितनी एनर्जी है उस बेसिस पे वो ग्राउंड स्टेट में या सेकंड लेवल पे या थर्ड लेवल पे वो ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। अब ये चीज़ आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट्स पे जाना होता है वो क्या करेगा, जब भी हायर स्टेट पे जाना होता है तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बिना एनर्जी के वो हायर स्टेट पे नहीं जा सकता। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे जाना है तो वो क्या करेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा। ये दो चीज़ें हैं जो एक साथ रिलेटेड हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट पे जाना है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट पे आना है, से फिफ्थ पे आना है, फोर्थ पे आना है, थर्ड पे आना है, जो जिस लोअर स्टेट पे भी जाना है, तो वो क्या करेगा, उस लोअर स्टेट पे तो वो पहुंचेगा लेकिन साथ में वो एनर्जी लिबरेट करेगा। जो एनर्जी वो लिबरेट कर रहा है उस पर्टिकुलर रेडिएशन की एक वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ से हमें पता चलेगा कि वो कौन सा कलर डिनोट कर रहा है। अगर वो विजिबल रेंज में है, जो वेवलेंथ है अगर वो विजिबल रेंज में है तो विबग्योर में से कोई भी कलर हो सकता है। अगर वो विजिबल रेंज के पहले वाला रेंज है तो वो अल्ट्रा वायलेट रीजन डिनोट करेगा, अगर वो विजिबल रेंज के आगे वाला रेंज है तो दैट विल डिनोट इंफ्रारेड रीजन। तो हमें ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें वेवलेंथ के बारे में पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे जो बामर सीरीज़ हैं, ये अगर बामर सीरीज़ वाली वेवलेंथ आती है देन वो कौन सा डिनोट करता है, विजिबल रीजन। ये कह है ये किस रीजन में आएगा, विजिबल रीजन में आएगा। लाइमन सीरीज़ किस रीजन में आएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। बाकी बामर के आगे वाले जितने भी हैं वो आएंगे इंफ्रारेड रीजन में। मीन्स अगर हमको कलर डिटर्मिन करना है तो कलर कैन बी रिटन ओनली इफ द रेडिएशन हैज़ अ वेवलेंथ विच फॉल्स इन द बामर सीरीज, नहीं तो वो वेवलेंथ नहीं बता सकता, नहीं तो हमें कलर का भी नहीं पता चलेगा। सो दिस वॉज द रीज़न वाई दिस एक्सपेरिमेंट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये चीज़ पॉसिबल थी हाइड्रोजन में एक, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पेक्ट्रम को स्टडी करना बहुत आसान था। अगर कोई भी कोई और एटम है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट विल रियली बिकम अ वेरी वेरी कंबलसम जॉब टू स्टडी अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ दैट एलिमेंट।
इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था हाइड्रोजन से एंड देन दिस वॉज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हमें बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल रही हैं. ये जितनी सीरीज मिल रही हैं ये क्या बना रही हैं, दिस इज़ फॉर्मिंग अ स्पेक्ट्रम. अब इस स्पेक्ट्रम से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसमें हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कहलाता है रिडबर्ग्स फॉर्मूला. ये कहलाता है रिडबर्ग्स फॉर्मूला. जब ये रिडबर्ग्स फॉर्मूला है तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, आर जेड स्क्वेयर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वेयर. बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक्स में कॉम्प्लिकेटेड दी होती हैं और इसको समझने के लिए एक सिंपल से फॉर्मूले की ज़रूरत है. आर है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है आर इज इक्वल टू 109678 पर सेंटीमीटर. ये इसकी आर की वैल्यू है. हर जगह पे आपको आर की वैल्यू लगानी है. जेड जो एटॉमिक नंबर है, क्यों हमें एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ी, हाइड्रोजन एटम के बारे में हम पढ़ रहे हैं लेकिन एटॉमिक नंबर तो फिर एक कॉमन होना चाहिए, वन होना चाहिए. यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसलिए है क्योंकि ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए एग्जिस्ट करता है, जिस स्पीशीज़ में भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है. जैसे इसको आप स्टडी कर सकते हो हीलियम आयन के लिए, इसको आप स्टडी कर सकते हो लिथियम आयन के लिए, इन सब में वन इलेक्ट्रॉन है. इसलिए अगर वो हीलियम लिथियम के लिए है फिजिबल तो फिर हमको जेड चेंज करना पड़ेगा. जेड मतलब एटॉमिक नंबर. अगर हीलियम आयन आया तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 2, अगर लिथियम आयन आया तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 3. तो इस तरह से यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे. लाइक एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, इसमें आपको समझना है कि एन वन और एन टू क्या है. तो जैसे अगर लाइमन सीरीज है तो एन वन हमेशा वो वैल्यू होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फाइनली पहुँच रहे हैं, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर अल्टीमेटली फॉलिंग डाउन. सो जैसे लाइमन सीरीज है तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फर्स्ट लेवल पे आ रहा है, मतलब एन वन की वैल्यू हमेशा लाइमन सीरीज के केस में क्या होगी, 1. एन टू की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 2 एंड अबव. और अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट जंप्स फ्रॉम थर्ड ट्रांजिशन लाइन इन लाइमन सीरीज, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, ये हो गई फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन, ये हो गई सेकेंड ट्रांजिशन लाइन, ये हो गई थर्ड ट्रांजिशन लाइन. मीन्स एन टू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4. इस केस में एन टू की वैल्यू हो गई 4 और लाइमन सीरीज है इसलिए एन वन की वैल्यू क्या हुई, 1. सो 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू आर, इसकी वैल्यू आप पुट करोगे 109678. हाइड्रोजन एटम है इसलिए जेड की वैल्यू 1 है और ये हो गया 1 अपॉन 1 स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वेयर. इसको आप सॉल्व करके यू कैन गेट द वैल्यू फॉर लैम्डा. तो ये जस्ट यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. और यहाँ पे जब आप वेवलेंथ निकालोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू आपको सेंटीमीटर में मिलेगी. आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ नैनोमीटर्स में कैलकुलेट करना है कि एंगस्ट्रॉम्स में कैलकुलेट करना है कि पिकोमीटर्स में करना है. उस बेसिस पे आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो. यूनिट कन्वर्जन सबको आता है ये मैं मान के चल रही हूँ. सो इन दिस वे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्वेश्चंस आर टू बी डन. अगर सपोज यहाँ पे आया कि इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग फ्रॉम फोर्थ ट्रांजिशन लाइन इन बामर सीरीज, तो बामर सीरीज मतलब एन वन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और फोर्थ ट्रांजिशन लाइन 1, 2, 3, 4, मतलब जो एन टू होगा वो क्या हो जाएगा, 6. तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को देखना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए सॉल्व करना है. सो देर इज़ लाइमन सीरीज, देर इज़ बामर सीरीज, देर इज़ पाशन सीरीज, ब्रैकेट फन हम्फ्री सीरीज. तो क्वेश्चन को देखते हुए कि कौन सी सीरीज़ के बारे में बात हो रही है, आपको वहाँ पे एन वन की वैल्यू पुट करनी है, कौन सा ट्रांजिशन लाइन है उस बेसिस पे आपको एन टू की वैल्यू पुट करनी है. सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ अ, आई फील दैट यू मस्ट हैव लाइक्ड दिस टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना. सोच के ही बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह का स्पेक्ट्रम है जहाँ पर आपको एक साथ इतनी सारी सीरीज़ मिल रही हैं. सो चिल्ड्रन, इफ़ यू लाइक द video, subscribe the channel, press the bell icon so that we are there with you always with
clearing all your doubts and follow the simple rules. I repeat this in every lecture, that is, attend all the live classes, attend all the physical classes, watch all the videos. अगर आपने bell icon को press किया है, subscribe किया है, तो आपको notification मिलेगा. उस basis पे आप सारे videos आप देखते जाओ, so that your concepts are very very clear during this period when you cannot move out of your house. So till then, thank you so much.